दिन है और आज ये लीग जो है वो शुरू होने वाली है और एक ऐसे शहर में जो शहर जो है पहलवानों का शहर जाना जाता है, खाना खाते हैं यहाँ के लोग और खाने क्या मशहूर है इन लोगों के। अब हमारे पास मौजूद हैं खलील जो कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, इसके अलावा ये CEO हैं मारखोर चैंपियंस लीग के, तो उन्हीं से जानेंगे कि कितनी मेहनत है इस लीग के पीछे और आज इन सारे लड़कों को ग्राउंड में देख के वो कितने खुश हैं। खलील जी, थैंक यू अस्मा। ये हमारे लिए एक बड़ी प्राउड मोमेंट है फॉर माय टीम मैनेजमेंट, स्पेशली अब्दुल रहमान जो मेरे साथ कंधे के कंधा कंधा मिला के हम लोगों ने इस स्टेज पे ला के टेबल क्रिकेट को, अपने ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को यहाँ पे स्टैंड कर दिया है। सो राउंड ऑफ क्लॉज सैफुल्ला बासी साहब, ये हमारे चेयरमैन है मारखोर चैंपियंस लीग के, जिनकी बदौलत आज ये सुपर के ऊपर हम लोग ये सारे मैचेस जो लाइव देखने जा रहे हैं। सो गुड लक फॉर ऑल द टीम्स और आपसे रहमान भी बात करेंगे प्लीज। रहमान कैसे हैं आप? शुक्र लगा, ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितने खुश हैं आप आज ये सारे लड़के और जो सारी मेहनत आपने की है उसको ग्राउंड में आप देख रहे हैं? सबसे पहले तो शुक्र अल्लाह ताला का कि जो चीज़ सोची आज उस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। मेरा मकसद, मेरी पूरी टीम का मकसद था क्रिकेट कराना और थैंक्स इस गुजरांवाला स्टेडियम में जितने भी लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ टाउन किया इस क्रिकेट को बात करने के लिए, हर डीसी है उसमें, कमिश्नर है, जितने भी लोग जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया उनका बहुत शुक्रिया कि क्रिकेट के लिए हमने ये चीज़ शुरू की है। और पाकिस्तान के जितने भी टेबल के स्टार्स हैं अब दुनिया उनको जानेगी, इतने बड़े प्लेटफॉर्म जैसे जियो सुपर है इसको दिखा रहा है, बहुत सारे फेसबुक के पेजेस है, यूट्यूब चैनल्स पे है, तो इनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान को भी सर्व कर सकते हैं इसी टेबल से। PSL के लिए प्लेयर्स अवेलेबल हो रहे हैं तो हमने कोशिश की है कि इन बच्चों के लिए कोई अच्छी इन्वायरमेंट दी जाए, इनको अच्छी होटलिंग दी जाए, इनको पाकिस्तान के 8 मेंटोर्स दिए हैं टेस्ट क्रिकेटर्स जो इनको अच्छा ट्रीट कर सके, इनको समझा सके कि अप लेवल क्या होता है इससे, जो क्रिकेट बॉल है वो कैसे होती है, एंड ट्राई लेवल बेस्ट टू इनके लिए जो हम कर सकें। इनके लिए इनामात बहुत अच्छे रखे हैं, पहला इनाम 30 लाख रखा है, दूसरा इनाम 10 लाख रखा है और जितने भी प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे उनके लिए वैसे भी बहुत सारे इनामात हैं। और मेरी दुआ है इन सब प्लेयर के लिए कि इस टूर्नामेंट में कामयाब हो और इनको अल्लाह ताला आगे और तरक्की दे, एंड गुड लक फॉर एवरी सिंगल प्लेयर। दिस इज रियली इनकरेजिंग के इतनी सारी जो है प्राइज मनी भी रखी गई है इन लड़कों के लिए और इनकी जो फैसिलिटीज हैं वो भी अप टू द स्टैंडर्ड हैं। सैफ साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल ठीक। आज एक बहुत अच्छा एक माहौल यहां क्रिएट हो चुका है इंशाल्लाह। मालखोर टूर्नामेंट अभी हम शुरू करने वाले हैं। मैं, हमारा बेसिक मकसद यही था कि स्ट्रीट क्रिकेट गली मालूम में हो रही थी उसको निकाल के स्टेडियम में लाएं और उसके बाद ये जो प्लेयर आपके सामने खड़े हैं बड़े स्टार प्लेयर हैं ये, इनको टीवी के ऊपर लाने का मेन मकसद ये है ताकि लोगों तक इनका टैलेंट पहुंच सके। और हमारी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह करे यहाँ से कुछ टैलेंट आगे कौमी टीम को भी पहुँचे, हमारी यही कोशिश थी बस। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आपने हमसे बात की। अभी जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया था कि हमारे पास बहुत सारी परफॉर्मेंसेस हैं, अभी एक ग्रुप है ANB जो कि स्टेज पे हमारे लिए परफॉर्म करेंगे एंड दिस इज अ सूफी डांस परफॉर्मेंस, सो लेट्स मूव टू द Never
आपने एक कलरफुल डांस परफॉर्मेंस विटनेस की, बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा दिन लग रहा है। और जैसे कि मैंने पहले बात की थी कि ये हिस्ट्री क्रिएट हो रही है, टेप बॉल क्रिकेट जो खेलते हैं गली में लड़के और वहाँ से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, बड़े प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, बड़े स्टेज पे जाते हैं, और ये लीग जो है किन लोगों की काबिशों से हो रही है। अब मैं दावत देना चाहूँगी स्टेज पे ट्रिपल ए एसोसिएट के चेयरमैन शेख फवाद बशीर साहब को कि वो स्टेज पे आए हमें ज्वाइन करें। और इसके अलावा मैं इनवाइट करना चाहूंगी ताहिर हाशमी ट्रेड मार्केटिंग मैनेजर पेप्सी गुजरावाला को। सो बिग हैंड्स फॉर बोथ ऑफ दीज। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कैसे ख्याल आया कि आप इसमें अपना पार्ट प्ले करें। टेप बॉल क्रिकेट लीग हो रही है, आप कितने एक्साइटेड थे इसको लेकर और सोच क्या थी आपकी? देखिए बेसिकली कोविड के बाद से काफी ग्राउंड खाली पड़े हुए हैं और जो हमारी यूथ है उनको कोई मौका नहीं मिल रहा एंजॉय करने का। तो हमारा मेन मकसद ये था कि लोग ग्राउंड में आए और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में आए, और क्रिकेट में खास हमारे पूरे मुल्क को लेकर चलती है, तो इसलिए हम भी साथ मोटिवेटेड हैं, हम भी एंजॉय करते हैं इसको। तो आप भी डीप डाउन क्रिकेट के फैन हैं? बिल्कुल जी, बहुत बड़े फैन हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने काफी टाइम तक अच्छी क्रिकेट खेली है। अच्छा, ये बड़ी मजे की बात होती है, मैं जितने भी लोगों से मिलती हूँ जो क्रिकेट के फैन होते हैं, जो क्रिकेट को प्यार करते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं क्रिकेट खुद भी खेली होती है। लोग मुझसे भी ये पूछते हैं कि आपको क्रिकेट से इतना प्यार है तो आपने भी क्रिकेट खेली है, लेकिन मैंने खेली नहीं है, मैंने देखी है बचपन से। जो बेटे हैं 11 साल के हैं वो, और क्या जबरदस्त क्रिकेट नॉलेज है उनका। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। और पेप्सी तो जाहिर है, पेप्सी और क्रिकेट तो हमेशा पाकिस्तान में साथ साथ चलते हैं। बिल्कुल जी, हम पीसीबी के साथ भी हैं और हर जगह क्रिकेट के साथ हैं। ऐसे जहाँ भी क्रिकेट हो रही होती है वहाँ पेप्सी तो जरूर होती है। यस बिल्कुल ऐसी। तो आप कितने एक्साइटेड हैं क्योंकि टेप बॉल जो लीग है वो इतने बड़े लेवल पे नहीं होती, ये पहली दफा है शायद कि हमारा नेशनल टीवी जो है वो इसको कवर कर रहा है, टीवी पे लोग इसको देखेंगे, आप कितने खुश हैं इस चीज को लेके कि एक ऐसी क्रिकेट जो हम नॉर्मली टीवी पे नहीं दिखाते हैं इस दफा पहली दफा ये हो रहा है कि वो लोग टीवी पे देखेंगे? हर बंदा स्ट्रीट क्रिकेट खेलता है और हम भी उनमें से एक हैं, तो इस क्रिकेट के लिए तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये टीवी पर होने जा रही है और इस लेवल पर होने जा रही है। और गुजरावाला में चूँकि 2 साल के बाद कोई इवेंट आया है तो लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं इसके लिए और बड़ी गर्मजोशी से वेट कर रहे हैं कि ये कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो।
बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत गर्मजोशी से हम लोग वेट कर रहे हैं कि ये कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो. जाहिर है लड़के भी वेट कर रहे हैं, हम लोग भी वेट कर रहे हैं गेम्स का, क्योंकि मैंने सुना है कि टेप बॉल क्रिकेट में छक्के चौके बहुत लगते हैं. मैंने क्लिप्स देखे हैं, मैंने इस तरह ग्राउंड में विटनेस नहीं किया है, लेकिन क्योंकि मैंने इंटरव्यू किया इन कुछ लड़कों को, तो मैंने देखा है कि कितने जबरदस्त प्यार से छक्के मारते हैं लोग, एफर्टलेस. टेप बॉल ऐसी मजे की गेम है कि वो क्रिकेट बाय चांस वाला सीन है, अब वो यहां पे शायद टेप बॉल में नहीं होता, यहां लोग कह के मार देंगे यार इस बॉल पे छक्का मारूंगा या इस बॉल में तुम्हें आउट करूंगा, और यही एक्साइटमेंट है इस गेम की. अच्छा, एक मजे की बात ये है कि मैंने भी जितनी क्रिकेट खेली है अपनी जिंदगी में वो टेप बॉल के साथ खेली है, और ये ऐसी बातें हैं, टेप बॉल भी बहुत जोर से लगती है जब लगती है तो. यस, लगती है तो बहुत जोर से लगती है, नो डाउट. तो ये जो इंजरी होती है ना, अच्छा होती होगी आपने खेली क्रिकेट तो इंजरी हो जाती है. बिल्कुल इंजरी हो जाती है अगर बॉल हार्ड लग जाए तो. यस, स्पेशल बॉलर हो तो ये श्योर ही लगती है. ठीक है, वो जहीर साहब का नाम सुना, जहीर अहमद बड़े जाने माने बॉलर हैं, वो टेप ली के लड़के एक्साइटेड हो गए तो उनका मैंने बहुत नाम सुना है. ये ड्राफ्टिंग में मैंने बोला था कि मैंने उनका नाम बहुत सुना है, बहुत फेमस है वो. यहाँ पे खुरम भाई भी हैं, वो भी काफी फेमस है जी. ये मैं अब देखूंगी तो फिर जाहिर है फिर ऐसा ऐसा मुझे सबके नाम जो है ना वो पता चल जाएंगे. लेकिन आई यू नो गेट दिस वेरी प्लेजेंट टाइम विद दीस गाइस, इंटरव्यूइंग देम एंड टॉकिंग टू देम एंड लिसनिंग टू देयर स्टोरीज, इट्स लाइक टोटली फैसिनेटिंग. बिल्कुल ऐसे ही, सही कह रही हो. चले जी, फिर और कुछ कहना चाहेंगे आप इस लीग को लेके? जस्ट वांट टू से टू ऑल द प्लेयर्स, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, आप अपने लेजेंड्स के साथ खेल रहे हैं, और बेस्ट ऑफ लक ट्रिपल ए एसोसिएट की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, और एंजॉय करें गेम्स को जी, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी. थैंक यू. थैंक यू सो मच आप दोनों का, इसके अलावा जो आपने कंट्रीब्यूट किया है इस लीग को हमारे व्यूअर्स की स्क्रीन तक लाने के लिए, उसके लिए बहुत ही शुक्रिया करना चाहूंगी मैं. अभी हमारे पास एक और परफॉर्मेंस लाइनअप है, और वो परफॉर्मेंस जो है वो होगी कल्चरल डांस. अभी आपने देखा स्टेज पे हमारा जो ग्रुप था वो परफॉर्म कर रहा था, सूफी परफॉर्मेंस, और क्या जबरदस्त कलरफुल नहीं थी लेकिन उसमें क्योंकि ऐसा कलर मौजूद था जो सारे कलर्स के ऊपर छा जाता है, व्हाइट और रेड कलर के जो कॉम्बिनेशन था, सो फैसिनेटिंग, और परफॉर्मेंस आपने देखी टीवी पे. अभी हमारे जो ग्रुप है वो गियर अप कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ किसे बताती हूँ मैं आप लोगों को, स्टोरीज बताती हूँ जो इन लड़कों से जब मैंने बात की तो मुझे पता चला. When I started working with Marco Champions League back in the February, तो मुझे पता चला कि अच्छा टेप बॉल लीग को भी इतनी क्लोजली फॉलो किया जाता है पाकिस्तान में, बिकॉज आई गॉट सो मेनी मैसेजेस फ्रॉम पीपल, और वो लोग यही बात कर रहे थे कि अच्छा वो प्लेयर लाइक लोग इन लोगों को जानते हैं, और ये लोग ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं. और मेरे लिए जाना बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्लेजेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि मुझे लगता था कि टेप बॉल लीग जो है वो सिर्फ गलियों तक होती है, लेकिन ये लीग जो है, ये जो हम मार्को चैंपियंस लीग करा रहे हैं जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला में, इससे मुझे अंदाज़ा हुआ है कि कितना स्टैंडर्ड हाई होने वाला है हमारी टेप बॉल क्रिकेट का भी. और हमारे पास बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं, हमने देखा है कि लड़के जो हैं वो टेप बॉल क्रिकेट खेल के जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. हाल ही में एग्जाम्पल जो हमारे सामने है, हारिस रऊफ टेप बॉल क्रिकेटर थे वो, और फिर वो लाहौर क्लांडर्स को उन्होंने रिप्रेजेंट किया, और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट को भी रिप्रेजेंट किया है उन्होंने. तो इट्स रियली गुड, एंड आई रियली विश कि लड़के जो हैं शानदार जानदार परफॉर्मेंसेस दिखाएं अपने मैचेस में, एंड आई होप कि आज जो तीन मैचेस हैं उसके लिए लड़के तैयार हैं. तैयार हो आप लोग? आवाज नहीं आ रही है मुझे, तैयार हो? कितने छक्के चौके देखने को मिलेंगे आज? कोई हिम्मत नहीं दिखा रहा, कोई छक्के मारने वाला नहीं है आज. ठीक है जी, एक परफॉर्मेंस है हमारे पास, सिंगर है हमारे पास इस वक्त, हमारा जो डांस ग्रुप है वो तो अपनी तैयारी कर रहा है, तो अच्छा मौका है हमारे लिए कि हम कुछ म्यूजिक सुनते हैं, खुद को एंटरटेन करते हैं. सिंगर है हमारे पास इमरान हाशमी, जो कि स्टेज पे हमें ज्वाइन करेंगे, और हमें जो है वो अपने मौसीकी से और अपने सहर में जकड़ लेंगे. तो मैं दावत देना चाहूँगी स्टेज पे इमरान हाशमी को कि वो स्टेज पे आएँ और हमारे कानों को अपनी सुरीली आवाज़ से महसूस करें. गाइस थोड़ा शोर तो मचाओ यार, लाउड रहना है, पहला दिन है अभी तो. ये चीज, ये स्पिरिट चाहिए.
ਚਾਹੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਫਿਕਰ ਰਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਫਿਕਰ ਰਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਢੋਲਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਢੋਲਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨ
एनडी ग्रुप की जानिब से पंजाब का कल्चर हमें दिखा रहे थे और हम इस वक्त पंजाब के ही शहर गुजरावाला में मौजूद हैं, जहां के जिनाह स्टेडियम में इस वक्त ट्रिपल ए एसोसिएट्स मारखोर चैंपियंस लीग 2021 की ओपनिंग सेरेमनी जारी है। अभी हमें स्टेज पे ज्वाइन करेंगे अमार जाफरी और इश्तियाक हैदर, जिन्होंने मारखोर चैंपियंस लीग का ऑफिशियल एंथम जो है वो गाया है और हमारे स्टेज पे आके वो यही एंथम जो है वो सुनाएंगे। तो मैं दावत देना चाहूंगी दोनों सिंगर्स को, अमार और इश्तियाक, तालियां बजा दो यार। आपकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए होता है और आप
लड़के जो यहाँ पे बैठे हुए हैं लाइन अप करके टीम्स, आप लोगों की एनर्जी को हम बढ़ा रहे हैं। ओपनिंग सेरेमनी इस वक्त जारी है, आप लोग अपनी टीवी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और ये सारा कुछ जो है ये हो रहा है ट्रिपल ए एसोसिएट्स मारकोर चैंपियंस लीग में। आपको हमने दिखाई एक डांस परफॉर्मेंस, उसके बाद वो सूफी डांस परफॉर्मेंस थी, उसके बाद हमने आपको दिखाई है एक कल्चरल डांस परफॉर्मेंस, और अभी हमारे पास हमारा ग्रुप है वो रेडी है तंबूरा परफॉर्मेंस के लिए। तैयारियां जारी है उनकी स्टेज पे आने के से पहले आपको मैं बता दूं कि तंबूरा डांस परफॉर्मेंस जो है ये बेसिकली टर्किश डांस है और लाइट्स ऑफ करके डांस किया जाएगा। मेरी एक्साइटेड की किस तरह का डांस, क्योंकि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस डांस को पहले देखने का। तो ऐसा ही है, बहुत रंगीन और भरी हमारी जो सेरेमनी है वो इस वक्त चिनार स्टेडियम गुजरांवाला में जारी है। लड़के काफी गैरअप है अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए आज, जाहिर है इन लोगों को तो मैच भी खेलना है और मजा आने वाला है आज, बहुत सारे हमें छक्के चौके देखने को मिलेंगे। लड़कों जरा शोर तो करो, कितनी कितनी एनर्जी है और कितनी एक्साइटमेंट है, काफी एनर्जी है, काफी एक्साइटमेंट है, मजा आने वाला है। नेक्स्ट परफॉर्मेंस इस वक्त जो हमारे पास है तंबूरा डांस परफॉर्मेंस वो रेडी है। आई एम वेरी एक्साइटेड, आप सब लोगों से मैं दरख्वास्त करूंगी कि जोरदार तालियां हो जाए। Oh
रंगारंग ओपनिंग सेरेमनी आपने देखी, ट्रिपल ए एसोसिएट्स मारकोर चैंपियन लीग की इख्तिताम हो रहा है हमारी सेरेमनी का। काफी मजे की सेरेमनी थी, काफी चीजें हमें देखने को मिली, जो स्पेशल डांस परफॉर्मेंस थी, जो टर्की का डांस था, और टर्की का कल्चर जाहिर है बहुत ही फैसिनेटिंग है, और हम लोग काफी हमारी स्ट्रॉन्ग टाइज हैं टर्की के साथ। अब शुरुआत होगी उस मरहले की जिसके लिए हम बेसिकली यहाँ पे मौजूद हैं, हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं इस मकसद के लिए, और वो मकसद है हम सबका फेवरेट, हमारा सबका प्यार क्रिकेट। तो अब मैं आपका टाइम नहीं दूंगी, कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ मौजूद हैं नसीम राजपूत और के आसिफ, तो ओवर टू यू गाइस। और पहलवानों के शहर गुजरांवाला से आपको खुशामदीद कहते हैं, जहां पर ट्रिपल ए एसोसिएट्स प्रेजेंट्स मारकोर चैंपियंस लीग 2021 का आगाज हो चुका है एक रंगारंग तकरीब के साथ। और मेरे साथ इस कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है नसीम राजपूत। नसीम कैसे आप? बिल्कुल ठीक, और जिस तरीके का माहौल हमने यहाँ गुजरांवाला स्टेडियम में देखा है उसके बाद तो वैसे भी के आसे में एक एनर्जी आ गई है। इन बच्चों को देखने के बाद, इनकी तैयारियां देखने के बाद, इनके चेहरे पे खुशियां देखने के बाद एक मजा आ गया है, और जबरदस्त ये बहुत क्रेडिट जाएगा यहाँ पर ट्रिपल एसोसिएट्स मारकोर चैंपियंस लीग 2021 के ऑफिशियल्स, जिसमें दोनों टेस्ट क्रिकेटर्स अब्दुल रहमान की बात कर लें, मोहम्मद खलील की बात कर लें, दोनों का ब्रेन चाइल्ड था, और जो उन्होंने कोशिश की, जो उन्होंने काविश की, और खासकर जिन्हें हम स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, ये खुशियाँ इन्हें जिंदगी भर याद रहेंगी। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर ऐसी रंगारंग तकरीब के बाद ये मैदान में जाएंगे और मुकाबले करते हुए दिखाई देंगे। तो क्या सिर्फ जबरदस्त किस्म का एटमॉस्फेयर यहाँ? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ टीम्स के खिलाड़ी और ये दोनों जो इस वक्त कैप्टन हैं इस वक्त मौजूद हैं मैच ऑफिशियल्स के साथ। और आपने बिल्कुल ठीक कहा नसीम, ये इतने बड़े लेवल पर टेप बॉल क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करना, ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया की तारीख में एक नई तारीख रकम होने जा रही है। बिल्कुल, क्रिकेट जिन ममालिक में भी खेली जाती है कि आसिफ, वहाँ पर इस खेल से लगाव बिल्कुल मुख्तलिफ है, और सब कॉन्टिनेंट में तो वैसे भी क्रिकेट को जो दर्जा हासिल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये कई हवालों से जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट लीग है। अब ग्राउंड्स उस तरीके से नहीं रहे कि जहाँ पर हार्ड बॉल के मैचेस फ्रीक्वेंट मिले, अब अकेडमीज हर आदमी अकेडमीज अफोर्ड नहीं करता, लेकिन लोगों को एक चांस दिखाई दे रहा है, दूर होते चले जा रहे थे, स्ट्रीट क्रिकेट ख़त्म हो गई थी, आप ये घर में भी खेलते थे आप सब, आपको याद होगा ये वो टेप बॉल क्रिकेट है, सामने दीवार पर मारो चौका छक्का, तो आप सड़क पर क्रिकेट होती थी, और सड़क से कई स्टार्स पाकिस्तान क्रिकेट में आए। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने टेप बॉल क्रिकेट नहीं खेली थी और मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम या हार्ड बॉल का कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी बन गया, खेलते सब है।